हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड फिटनेस एंड फन। और आज हम एक बहुत ही हेल्दी रोटी, पराठा या आप उसे फुल्का भी कह सकते हैं, वो बनाने जा रहे हैं। इसमें मिक्स्ड सीड्स हमने लिए हैं, मिक्स्ड ग्रेन और साथ ही लीव्स भी, यानी ताज़ा पत्तियां। सबसे पहले हमने जो जो सीड्स लिए हैं उन्हें हम रोस्ट करेंगे। हमने सबसे पहले फ्लैक्स सीड्स लिए हैं, उसमें फेनल सीड्स यानी सौंफ, चिया सीड्स और ये क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। इन सब चीज़ों को लेकर हमने इन्हें रोस्ट किया है और ये हमने अनार दाना इसमें डाला है थोड़े खट्टेपन के लिए, टेस्ट के लिए। अब इन सभी जो हमारे सीड्स हैं जिन्हें हमने रोस्ट किया है, उन्हें हम पाउडर करके ये पाउडर तैयार करेंगे। इसे एक लार्ज बोल में हम निकाल लेते हैं और अब एक एक करके सारे अपने फ्लावर लेकर, यानी जो हमने आटा लिया है, हमने इसमें होल व्हीट का आटा, रागी, राइस फ्लावर, ओट फ्लावर जिसे हमने क्विक ओट से तैयार किया है, बेसन, सोयाबीन का आटा और ये है जवार का आटा जिसे हमने घर पे पीस कर ही बनाया है। ये सब डाल के स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे, कोरिएंडर पाउडर और मेथी। ये सब डालने के बाद हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। ये डो ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा और ना ही ज़्यादा हार्ड। डो तैयार करने के बाद हम जो तीसरी इसमें सबसे हेल्दी चीज़ डालेंगे वो होंगी ताज़ा पत्तियाँ। हमने आधा कटोरी इसमें लिया है स्पिनच, करी लीव्स और मोरिंगा। ये तीनों ही चीज़ें वेट लॉस के लिए परफेक्ट होती हैं, लेकिन साथ ही न्यूट्रिशंस जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। अब हम इन्हें स्टफ़ करेंगे अपने आटे के डो की बॉल्स बनाकर। ये देखिए, इस तरह से हम इन्हें सेंटर में रखेंगे और फिर आप चाहें तो इस पर भी थोड़ा सा मसाला या सॉल्ट, रॉक सॉल्ट मैं कहूँगी यहाँ पर, आप ऐड कर सकते हैं। और फिर हम इसे बेलेंगे, इनकी राउंड राउंड चपातियाँ बनाएंगे। जो मल्टीग्रेन का आटा होता है वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, सख्त हो जाता है, लेकिन जिस तरह का कॉम्बिनेशन हमने बनाया है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगा। हालांकि इसे बेलने में, क्योंकि ये सेमी सॉफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड और सॉफ्ट नहीं होगा, थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसे दोनों साइड से हमें तब तक पकाना है जब तक ये ब्राउन स्पॉट्स आपको नज़र ना आए। ये इस तरह से हम सारी चपातियाँ बना लेंगे अपनी और आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में खा सकते हैं। ये सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट और सुपर हेल्दी लंच की रेसिपी है जो हमने शेयर किया। आई होप इसे आप ज़रूर ट्राई करेंगे, हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। फॉर मोर हेल्दी रेसिपीज कीप वॉचिंग, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।